देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछ रहा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना पर आई नवीन जानकारी आपको देंगे, जो आपके कई जिज्ञासाओं को शांत करेगा तथा वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर के दिल्ली और वाराणसी के मध्य प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में रुकावट आ गई है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने मार्ग के साथ कई वक्रों का हवाला देते हुए परियोजना पर व्यवहार्यता रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इस पर हम आपको सटीक व स्पष्ट उत्तर देने वाले हैं। बता दें कि पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ बनाया जाएगा। इसने कहा कि इससे सस्ती दरों पर भूमि के अधिग्रहण और निर्माण की लागत को कम करने में सहायता मिलेगी। हालांकि तकनीकी समस्या जिसके कारण से प्रस्ताव को सिरे से निरस्त कर दिया गया था कि NH2 में दिल्ली और वाराणसी के मध्य कई स्थानों पर घुमावदार खंड थे, जो एक ट्रेन के लिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए अत्यधिक खतरनाक हो जाएगा, और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर का ट्रैक सीधा होना चाहिए। तथा इस पर रेलवे बोर्ड ने सुझाव दिया है कि अभी के लिए 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से केवल सेमी हाई स्पीड ट्रेन अर्थात वंदे भारत ट्रेनें चलाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए लगभग 400 ऐसी वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में उपलब्ध होंगी और विभिन्न मार्गों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो देश में इन वंदे भारत ट्रेन की चर्चा जोरों पर है। ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी अधिक गति प्रदान करेंगी। वंदे भारत ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन होगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी दावा करते हैं कि 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक का समय तय करने में इन बुलेट ट्रेन को 55.4 सेकंड लगता है। वहीं भारत में तैयार की गई वंदे भारत ट्रेन को ये दूरी तय करने में मात्र 54 सेकंड लगेंगी। ट्रेन पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसे देश में ही निर्मित किया गया है। रेलवे अधिकारी कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस काफी अपग्रेडेड है, इसके चलते इसकी गति शानदार है। ये स्वचालित मोटर की सहायता से दौड़ती है, इसमें इंजन का कोई योगदान नहीं होता। यह ट्रेन 16 कोच वाली है, इसके 5 कोच में मोटर लगी हुई है। स्वचालित मोटरों की सहायता से इसकी गति अधिक होती है। अधिकारियों की माने तो वंदे भारत में लगा 20 मोटर बुलेट ट्रेन के आगे लगे इंजन से भी अधिक कारगर सिद्ध होगा। स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, वहीं नए वाले वर्जन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति देगी। वहीं कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 तक इसके अपग्रेडेड वर्जन 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली से पटना तक की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह दूरी 4 से 5 घंटे में ही तय की जा सकेगी। इस दूरी को अभी तय करने में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को भी 12 घंटे से अधिक तक का समय लगता है। परंतु यहाँ बात तो बुलेट ट्रेन की हो रही है, तो हम आपको बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना को रद्द नहीं किया गया है, जिसका खंडन स्वयं सरकार द्वारा किया गया है। बीते दिनों स्वयं रेल मंत्रालय ने उन समाचारों का खंडन किया कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है और कहा कि इसकी DPR अभी विचाराधीन है। आगे मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की DPR पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथ्य यह है कि रेल मंत्रालय को परियोजना की DPR के साथ कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR को अंतिम रूप दे दिया है और इसे रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है, जिसका कि अनुमोदन देने की प्रक्रिया के अंतर्गत यह DPR जांच के अधीन है।
आपको हम बता दें कि देश में लोगों को काफी लंबे समय से बुलेट ट्रेन की प्रतीक्षा है। रेलवे की योजना के अनुसार अहमदाबाद से मुंबई के मध्य बुलेट ट्रेन पर बहुत तेजी से कार्य संचालित है। वहीं दिल्ली से वाराणसी के मध्य भी एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। बता दें कि नई दिल्ली से वाराणसी और कोलकाता तक बुलेट ट्रेन का संचालन अधूरा है, तो वहीं दूसरी ओर सेमी हाई स्पीड ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए नया वॉशिंग लाइन विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही वाराणसी और कोलकाता के मध्य सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना में तेजी आई है। अब काशी से कोलकाता तक की यात्रा यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस से कर सकेंगे। रेलवे की ओर से इसके लिए तैयारियां पिछले कुछ दिनों से ही चल रही हैं। यह संभावना लगाया जा रहा है कि अक्टूबर अथवा नवंबर महीने के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को अपने वाराणसी दौरे पर हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित बनारस रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की प्रक्रिया तेज हुई है। यहाँ सेमी हाई स्पीड ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए नया वॉशिंग लाइन तैयार हो रहा है। संसाधन विकसित करने के साथ ही वाराणसी और कोलकाता के मध्य प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना में तेजी आई है। साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेन को हरी झंडी की प्रतीक्षा है। वैसे आपको हम बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कई महीनों से इस परियोजना के DPR रेल मंत्रालय को सौंपने के पश्चात भी निर्णय नहीं लिया गया है। तथा इस बात में भी संदेह नहीं है कि बुलेट ट्रेन परियोजना को मूर्त रूप देने में लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा इसके किराए भी अधिक होंगे। इसके अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेन यदि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और निकट भविष्य में इसकी गति 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, तो उस प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन ही उत्तम है। और यदि सरकार इससे अधिक गति की ट्रेनों का संचालन ही करना चाहती है, तो जापान की दशकों पुरानी बुलेट ट्रेन को भारत में लाए जाने के बजाय मैगलेव ट्रेन अथवा हाइपरलूप जैसी नवीनतम तकनीकी पर अध्ययन कर उस पर निवेश करना चाहिए, ताकि विश्व के विकसित देशों से कम हम बराबरी ही कर सकें। क्योंकि गति तो आवश्यक है ही, चाहे वो इंटरनेट की हो अथवा ट्रेन की या विकास की, क्योंकि भारत ने पहले ही अत्यधिक समय व्यतीत कर दिए हैं, अब विकास को उच्चतम गति से दौड़ाना ही होगा। आपके इस विषय पर क्या राय व सुझाव हैं, वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें, एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।